चालकता की परिभाषा को देखने के लिए आपको एक सूत्र सीखना है, सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। इसी सूत्र की सहायता से आप वृत्त चालकता की परिभाषा को देख सकते हैं। जब भी कोई चीज़ सामने लिखी होती है तो वो कैसी होती है, समानुपाती में लिखी होती है। जब कोई चीज़ कहाँ पे लिखी होती है, बटे में लिखी होती है, तो वो कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर, आर यानी क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध हो जाएगा, और जो प्रतिरोध है वो सी के कैसा लिखा हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती लिखा है। तो इस सूत्र की सहायता से आप परिभाषा बनाएंगे, यहाँ पर हम हिंदी में इसको लिख लेंगे, विद्युत चालकता बराबर बनापन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा। इसी सूत्र से हमारी बनेगी परिभाषा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम इसलिए क्योंकि यह क्या पौन में लिखा गया है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। परिभाषा केवल एक ही शब्द की है, जो आपका प्रतिरोध दिया गया है वो कैसा है, अपौन में यानी व्युत्क्रम में। इस कारण यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और विद्युत चालकता को हम किससे प्रेषित कहते हैं, सी से प्रेषित कहते हैं। प्रतिरोध के लिए हम संकेत आर का उपयोग करते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपौन आर। ये हो जाएगा आपका विद्युत चालकता का सूत्र। परिभाषा आप हिंदी वाले सूत्र से सीखेंगे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता को आप किससे प्रेषित करते हैं, सी से प्रेषित करते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। अब यहाँ से आप इसका निकालेंगे मात्रक, मात्रक या उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। तो विद्युत चालकता के लिए विद्युत चालकता की हमें इकाई निकालनी है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। अब ये ओम बटे में है, ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ओम की घात क्या हो जाएगा, -1, यानी ओम इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी, ये इसकी इकाई हो जाएगी। या फिर जो दूसरी इकाई होती है, दूसरी इकाई में हम क्या लिखेंगे, विद्युत चालकता की इकाई में मो हो जाएगी। यहाँ पे आप इंग्लिश में इसको MHO, ये दूसरी इकाई हो जाएगी। ओम इकाई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप केवल इसको सूत्र की सहायता से याद कर लेंगे। यहाँ पे आपका प्रतिरोध था, और प्रतिरोध का ऐसे पद्धति में मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ओम को जब आप नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो घातें कैसे हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप सीधा लिख देंगे विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है, प्रति ओम, या क्या होती है, मो होती है। कभी कभी यहाँ पर दूसरी इकाई का भी उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेंसन कहते हैं। सीमेंसन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एस का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं आपको सीमेंसन भी लिखी मिलेगी, सीमेंसन के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, एस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सीमेंसन, यानी एस हो जाएगा। ये विद्युत चालकता की परिभाषा है, और यहाँ पे आपने दोनों में सूत्र की सहायता से इसका क्या निकाल लिया है, मात्रक निकाल लिया है। अब हमें आवश्यकता है अगली परिभाषा की, ये थी आपकी विद्युत चालकता। इसके बाद हमें दूसरी परिभाषा देखनी है, किसकी, विशिष्ट चालकता की परिभाषा देखनी है। किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, विशिष्ट चालकता की परिभाषा हो जाएगी। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा को देखने के लिए आपको क्या करना है, किसी बिलियन में, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, बिलियन बनाएंगे। बिलियन में ये क्या लगा दिए जाएंगे, दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड माने जिन्हें हम कैथोड और एनोड कहते हैं, और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोई विलयन हो जाएगा, और ये विलयन में हमने क्या कह दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, या इलेक्ट्रोडों को हमने विलयन में क्या कह दिया है, डुबा दिया गया। तो यहाँ तो परिभाषा बनेगी, जब किसी विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड या उनका जो प्रतिरोध होता है, जब किसी विलयन में किन्हीं इलेक्ट्रोडों को क्या कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है, तो उन इलेक्ट्रोडों का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी क्या हो जाएगा, आर, जो प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रोडों की लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। और यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के देखें तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, R समानुपाती L और R समानुपाती 1/a। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कह देंगे, दोनों को क्या कह देंगे, मिला देंगे। दोनों को मिलाने पर, जैसे ही आप दोनों को मिलाएंगे, तो यहाँ से एक साइड से क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया, L दिया गया, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, a।
अब क्या करना है हमें यहाँ से समानुपाती के चिन्ह को हटाना है। जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो किसी ना किसी नियतांक या स्थिरांक के चिन्ह का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम R बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा है, ये क्या हो जाएगा, रो लगा देंगे और यहाँ से L का L हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये प्रतिरोध का मान बता रहा है, हमें मान किसका निकालना है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता यानी रो का क्या निकालेंगे हम यहाँ से मान, तो रो का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो बराबर ये रो का चिन्ह हो जाएगा, रो का मान निकालेंगे तो ए का गुणा किसके साथ होगा, आर के साथ, तो क्या हो जाएगा आर ए और अपॉन में क्या पहुंच जाएगा ये एल, तो बटे में क्या लिख देंगे एल लिख देंगे। ये आपका निकल आएगा विशिष्ट चालकता के लिए। यहाँ पे आप लिखेंगे जहाँ पे रो एक क्या है नियतांक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ से दो प्रकार की आपको परिभाषाएं पढ़ने के लिए मिलेंगी, एक विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होती है और एक किसकी परिभाषा होती है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा होती है। तो सबसे पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद परिभाषा हो जाएगी आपकी विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट प्रतिरोध में आप लिखेंगे, इसमें आपने क्या किया है, जब किसी विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का जो प्रतिरोध होता है उनकी लंबाई के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, आर समानुपाती एल बटे ए। समानुपाती का चिन्ह हटाया, क्या लगा दिया, रो लगा दिया, ये एक नियतांक है। अब रो का मान निकाला तो ए कहाँ पहुँच जाएगा, आर के साथ, और एल जो है ये कहाँ पहुँच जाएगा, इन टू में है तो यहाँ पे बटे में पहुँच जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटे एल। नीचे आप लिखेंगे जहाँ पे रो एक क्या है नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो को हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसमें परिभाषा निकालने के लिए हमने जो सूत्र निकाला है, रो बराबर आर ए बटे एल, जहाँ पे हम देख रहे थे कि जो आपका रो है ये क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। अब हमें कुछ मान निकालना है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल लिया गया है, क्षेत्रफल यानी ए, क्षेत्रफल को हम कितना लिख दें, एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, माने दो दूरी हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाकी का क्या बचा हुआ है यहाँ पे, एक एल, एल यानी क्या हो जाएगी लंबाई, लंबाई को भी हम एक लिख लेंगे, ये किस में लेंगे हम, सेंटीमीटर में। और यदि इन सब को देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये घन सेंटीमीटर बन जाएगा। क्षेत्रफल और लंबाई आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लेंगे, घन सेंटीमीटर का निर्माण कर लेंगे। तो जब इन दोनों के मान हम इस सूत्र में रखेंगे तो क्या निकल आएगा, रो बराबर आर, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आर बराबर रो। ए का मान एक रखेंगे और यहाँ पे एल का मान एक रखेंगे, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, रो बराबर आर, या आर बराबर क्या हो जाएगा, रो। अतः किसी विलयन में, अभी हम क्या कर रहे थे, विलयन में किसको डुबा रहे थे, इलेक्ट्रोडों को डुबा रहे थे, तो वहीं से आपकी डेफिनेशन बनेगी। अतः किसी विलयन में एक घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध, एक घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध, क्षेत्रफल एक सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई कितनी दी गई है, एक सेंटीमीटर, तो जो प्रतिरोध बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक घन सेंटीमीटर बन जाएगा। एक घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध होता है उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो। आर यानी क्या है आपका, प्रतिरोध है, और जो रो है इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो यानी क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसी विलयन के एक घन सेंटीमीटर में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, उस चालक के विशिष्ट, उस चालक का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे किसी विलयन में एक घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध होता है उस चालक का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। चूँकि ये एक दोनों दूसरे के कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, तो जहाँ पे जो आपका आर का मान होगा ये रो का मान कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि जो विलयन है, विलयन में आपने दो इलेक्ट्रोडों को डुबाया और जो विलयन लिया गया है कितना लिया गया है, एक घन सेंटीमीटर लिया गया है। तो जो एक घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध का मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित कहते हैं,
रोषे प्रसित कहते हैं। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का आपका डेफिनेशन हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध की। यहाँ से आप इसकी इकाई सीख लेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी ओम गुणा, क्या हो जाएगी मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। अब हमें यहाँ पर देखना है अगली डेफिनेशन बनेगी आपकी किसकी, विशिष्ट चालकता की। अभी आप देख रहे थे विशिष्ट प्रतिरोध, अब हम परिभाषा किसकी देखेंगे, विशिष्ट चालकता की परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से आप क्या करेंगे, सूत्र को सीख लेंगे। ये जो चिन्ह बना है इसे हम क्या कहते हैं, कैप्पा या कप्पा कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे रो। फिर से हम इसकी सहायता से अब सीधा हम इसके लिए ऐसा बना देते हैं कैप्पा का चिन्ह, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैप्पा, या फिर इसको कप्पा लिख दिया जाता है कभी। विशिष्ट चालकता की परिभाषा देखने के लिए आपको बस ये सूत्र सीखना है। इसमें यदि आपको संकेत मालूम है ये दोनों, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी। रो को आप क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और ये क्या दिया गया है, के यानी कैप्पा, के नहीं बना हुआ है, कैप्पा पढ़ेंगे इसे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो आपका रो बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध कैसा दिया गया है, व्युत्क्रम दिया गया है, बटे में दिया गया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रसित कहते हैं, कैप्पा से प्रसित कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैप्पा। अब इसको बनाने के लिए किताब में आपका ये कैप्पा का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, अच्छे से आप सीख लेना, ये कैप्पा का चिन्ह हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की परिभाषा को थोड़ा और आगे की ओर हम ले जाएंगे। तो यहाँ पे कैप्पा बराबर एक बटे क्या दिया गया है, रो, और रो का मान क्या होता है, आर ए बटे एल। ये किसका मान हो जाएगा आपका, रो का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैप्पा बराबर एक बटे रो का क्या रख देंगे मान, आर ए बटे क्या हो जाएगा एल। एल कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैप्पा बराबर एल बटे क्या बचेगा, आर ए बचेगा। अब कैप्पा बराबर यहाँ पे आपको व्यवस्थित करके लिखना है, इनटू में लिख देंगे, बात वही रहेगी, केवल हम इनको हमें क्या करना है, बनाना है। एक बटे आर माना है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इनटू में क्या हो गया ये एल बटे ए, और जब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो क्या माना जाएगा आपका, एल बटे आर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा के, तो इस के को हम क्या कर रहे थे, विशिष्ट चालकता, के यानी क्या था आपका, विशिष्ट चालकता। तो के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, विशिष्ट चालकता लिख देंगे। और जो एक बटे आर लिखा है हमने, एक बटे आर बराबर क्या होती है आपकी, चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, चालकता लिख देंगे, इनटू क्या बचा हुआ है, एल बटे ए बचा हुआ है। एल बटे जो आपका ए होता है, एल बटे ए को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। आगे हमें इसकी डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगी। एल बटे यानी क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक हो जाएगा। अब हमें इनके संकेत लिखने हैं, केवल जो आपका विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट चालकता के लिए हम किसका उपयोग कहते हैं, कैप्पा का उपयोग कहते हैं। तो ये आपका कैप्पा लिख दिया जाएगा। चालकता के लिए हम किसका उपयोग कहते हैं, सी का, और सेल स्थिरांक के लिए किसका उपयोग कहते हैं, जी का। तो ये आपका आगे हो जाएगा। यहाँ पे ये भी पूछ लिया जा सकता है, विशिष्ट चालकता, चालकता और सेल स्थिरांक में ये संबंध माना जाएगा। अलग से ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका, विशिष्ट चालकता, चालकता और सेल स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो आप विशिष्ट चालकता के सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। विशिष्ट चालकता माने कैप्पा, और ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसके बाद हमने इसका संकेत लिख दिया, कैप्पा बराबर एक बटे रो, रो का मान क्या होता है, आर ए अपॉन एल। इसका मान रख दिया, एल अपॉन के अपॉन में था, इसलिए कहाँ पे पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। तो कैप्पा बराबर क्या आ गया, एल बटे आर ए। इसको हमने व्यवस्थित करके लिखा, तो कैप्पा बराबर एक बटे आर, ये किसका मान बन गया, चालकता का मान बन गया। और एल बटे ए ये क्या बन जाएगा, सेल स्थिरांक बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विशिष्ट चालकता के बराबर चालकता यानी सी गुणे सेल स्थिरांक यानी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा।